गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दिस इज एकदम एम हेयर विद टूडेज लेक्चर सो बच्चा जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन्टोनोरियल मोटिवेशन सो आज हम डिस्कस करेंगे काजिज ऑफ लो मोटिवेशन एंड फैक्टर इम्प्रूविंग ऑन्टरप्रिनोरशिप मोटिवेशन सो फर्स्टली वी डिस्कस काजिज ऑफ लो मोटिवेशन The various causes of low motivation level of entrepreneur are first, is इसमें motivation of the employees will be low if work is inadequately divided. डिवाइडेड इसमें कहता है कि एम्प्लॉयज कम मोटिवेटेड होंगे काम के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उनमें काम जो है इक्वली डिवाइडेड नहीं किया होगा सेकेंड वी हैव इफ वन एम्प्लॉयज इज गेटिंग हायर पे बट डूइंग लेस इम्पोर्टेंट वर्क कम्पेयर टू वन हु इज़ डूइंग मोर इम्पॉर्टेंट एंड क्वालिटी वर्क बट इज़ रिसीविंग लेस सैलरी इसमें कहता है अगर कोई भी फॉर्म में ऑनर क्या करेगा सब एम्प्लॉयज़ में काम जो है इक्वली डिवाइड नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉय को सैलरी ज़्यादा दी गई है और उसको जो है काम कम दिया गया है और एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सैलरी कम है उसको काम का बर्डन ज़्यादा दे दिया गया है तो वो क्या करेगा दोनों ही एम्प्लॉयज़ जो है अपनी अपने काम जो है अच्छे से नहीं करेंगे तो उससे भी जो है मोटिवेशन लेवल जो है उनमें लो दिखाई देगा वो जो है अपने काम के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे अपने स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस नहीं कर पाएंगे थर्ड वी हैव इफ अ वर्कर इज़ नॉट वेल फिज़िकली और मेंटली इसमें कहता है कि मोटिवेशन लेवल जो है लो तब भी होगा अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर जो है फिजिकली या मेंटली ठीक नहीं है हैव मोटिवेशन में सीरियसली अफेक्टेड इफ द लाइन्स ऑफ अथॉरिटी विच है टू इसमें कहता है अगर कोई भी फॉर्म है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सीरियसली जो है रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो किए जा रहे प्रॉपरली कोई भी एम्प्लॉय जो है इंस्पायर्ड नहीं हो रहा किसी अच्छी चीज़ से या अपने स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस नहीं कर रहा खुद को मोटिवेट नहीं कर रहा उससे ये होगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं अपना काम सीरियसली नहीं लेंगे उनमें जो है मोटिवेशन लेवल जो है लो रहेगा फिफ्थ वी हैव वेन देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रमोशन अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को ये लग रहा है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन होने के चांसेस कम हैं तो उसके अंदर भी मोटिवेशन लेवल आपको कम देखने को मिलेगा लास्ट वी हैव इफ द एम्प्लॉई डज़ नॉट गेट एनी सेंस ऑफ अचीवमेंट वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हिज मोटिवेशन टेंड्स टू बी लो इसमें कहता है कोई भी एम्प्लॉय है अगर उसका ये नहीं रहता एक मेन गोल नहीं रहता कि मैंने कुछ अचीव करना है उसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होगी कि मैंने कैसे खुद की नॉलेज को और पर्सनल ग्रोथ कैसे मैंने करनी है तो उसमें भी जो है मोटिवेशन लेवल कम देखने को मिलेगा नेक्स्ट वी डिस्कस फैक्टर्स इम्प्रूविंग ऑन्टरप्रिनरशिप मोटिवेशन First is two-way communication, second is proper incentive system. Third is human relation approach. fourth is welfare schemes, fifth is participation in management. sixth is improve workers training. and last we have employee empowerment. मोटिवेशन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्राइज द आंटरप्रीनर्स शुड कॉन्स्टेंटली मेक एफर्ट्स टू इंप्रूव द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय इसमें कहता है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर किसी भी वर्कर के अंदर होना स्पेशली कि वो एक फॉर्म में एंटर कर रहा है तो इसमें कहता है कि ऑन्टरप्रिन की यही कोशिश रहती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयज़ को उसकी उनके स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूवड कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके। फर्स्ट इसमें टू वे कम्युनिकेशन देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन्टरप्रिन एंड एम्प्लॉयी ऑल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स शुड बी एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज़ थ्रू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन

और एम्प्लॉय के बीच एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना एक अच्छी और हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑन्टरप्रिन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली तभी मोटिवेट कर सकता है जब उनमें टू वे कम्युनिकेशन मींस की अच्छी कम्युनिकेशन हेल्दी कम्युनिकेशन होगी उनमें बातचीत अच्छी होगी तभी ऑन्टरप्रिन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा अपनी फॉर्म की पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेगा ऑन्टरप्रिन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली उन्हें मोटिवेट तभी कर पाएगा जब उनकी भी फीडबैक वो ले पाएगा अपने एम्प्लॉयज़ की फीडबैक भी लेगा उनसे भी जो है पूछेगा कि हाँ क्या इम्प्रूवमेंट हमें लानी चाहिए बिज़नेस के अंदर कैसे हमें खुद के स्किल्स और नॉलेज को एनहैंस करना है खुद की पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी second we have proper incentive system there should be proper system for monetary and non monetary benefit for the employees the employees showing better performance should automatically be given incentives इस पर कहता है कि ऑन्टरप्रिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है एक प्रॉपरली रिवार्ड सेट करता है कि जो भी एम्प्लॉय अच्छे से अपना वर्क जो है कंप्लीट कर रहा है अच्छे से अपना काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करा रहा है उसके लिए एक रिवार्ड सेट किया जाता है जिससे कोई भी एम्प्लॉय जो है ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाते हैं खुद की परफॉर्मेंस अच्छी दे पाते हैं कि जब उनको ये लगता है कि हाँ हमारे लिए रिवार्ड सेट किया गया है हमें अपना गोल अचीव करना है अच्छे से पार्टिसिपेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थर्ड वी हैव ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच दिस अप्रोच सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स Their feeling and emotion should be given due weightage. There should not be any discrimination among employee and groups. The contribution of every employee to the enterprise should be recognized and adequate incentive and rewards should be offered for higher performance. इसमें कहता हैं ऑन्टरपेनोर तभी मोटिवेट कर पाएगा अपने एम्प्लाइज़ को वर्कर्स को जब वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो किसी में भी पार्शियलिटी नहीं करेगा किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा उसको वर्कलोड देके और उसकी सैलरी कम नहीं करेगा इक्वली काम को डिवाइड करके वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा तभी ही उसका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल पाएगा और उसके जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं अच्छे से मोटिवेट हो पाएंगे तो इसमें कहता है ऑनटरप्रिन क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिवार्ड सेट करता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको रिटर्न में रिवार्ड कुछ भी इन इन टर्म ऑफ मनी और प्राइज तो इसमें कहता है तभी एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा मोटिवेट होकर ख़ुद की परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाएंगे फोर्थ हुई हैव वेलफेयर स्कीम्स देयर शुड बी प्रॉपर वेलफेयर स्कीम्स लाइक हाउसिंग फेसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रंस रिक्रिएशन फैसिलिटी सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा फॉर द एम्प्लॉयीज एंड देयर फैमिलीज ऑल दीज मेजर्स विल डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इन एम्प्लॉयज इसमें कहता है ऑनटरप्रिन को क्या करना चाहिए कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमने अभी रीड किए हैं ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है पॉजिटिव एटीट्यूड खुद में डेवलप कर पाएँ मोटिवेट कर पाएँ खुद को कि हाँ हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ अच्छा पार्टिसिपेट करके कुछ अचीव कराना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिफ्थ वी हैव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वर्कर्स शुड मेट अ पार्ट इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ It will encourage industrial democracy in the enterprise. The periodical consultation with workers for making any changes will help in proper implementation. Once workers are associated with decision making, then they will feel it as their responsibility to help in implementing them. इसमें कहता है सिर्फ ऑन्टप्रिनोर को ही नहीं डिसीजन सुनाने चाहिए अपने उनको भी वर्कर्स को भी एम्प्लॉज़ को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजंस में कि उनको भी साथ लेके चलना चाहिए ऑन्टरप्रिनोर को कि उनसे भी फीडबैक लेनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ें जो है इम्प्रूवड करनी है कौन सी नई नई आइडियाज़ जो है हमने अपने बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं क्या चेंजेस लाने हैं हमने अपने बिज़नेस के अंदर तो हमें जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ चलना पड़ेगा उन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा तभी हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं सिक्स वी हैव इम्प्रूव वर्कर्स ट्रेनिंग द वर्कर्स शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन जॉब्स दिस विल गिव सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर फॉर वर्किंग ऑन their जॉब्स इफ अ वर्कर इज नॉट सुचेबल

की ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट लानी है कि कैसे हमने वर्कर की परफॉर्मेंस को अच्छा करना है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की हमने सबसे पहले कैपेबिलिटी जाननी है कि ये किस काम को करने के लिए कैपेबल हैं उसके बाद हमने उनकी उनको मोटिवेट करके उनकी अच्छी परफॉर्मेंस बाहर निकालनी है जब कोई भी एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे मोटिवेट करेंगे और वो एम्प्लॉय खुद की कैपेबिलिटी को जान पाएगा कैपेबिलिटी प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू बेस्ट परफॉर्मेंस तो हम नेचुरली क्या निकल के आएगा आउटकम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस लास्ट वी हैव एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एम्प्लॉयज मे बी गिवन मोर फ्रीडम टू डिसाइड देअर वर्क एंड दिस विल गिव दैम मोर कॉन्फिडेंस दे विल यूज

उनको उनका काम चूज करना देना करने देना चाहिए कि वो किस काम को करने के लिए ज़्यादा कैपेबल हैं वो किस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे तो उससे एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा तो डेफिनेटली वो उनकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करा पाएंगे सो नेक्स्ट वी डिस्कस थेरीज ऑफ ऑन्टरप्रिनरशिप मोटिवेशन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हैव अ नाइस डे